नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। बंधुआ मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में आज प्रधानमंत्री के नाम जिलाधीश महोदय के ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें देश में फैल रही अराजकता, भीड़ तंत्र और असहिष्णुता के माहौल को सख्ती से रोकने एवं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। आपको बता दें कि विगत दिनों स्वामी अग्निवेश के साथ कुछ लोगों ने गंभीर रूप से मारपीट कर दी थी, जिसके बाद ये बताया जा रहा था कि उन्हें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्राणघातक हमला किया है, जिसकी निंदा करते हुए आज बंधुआ मुक्ति मोर्चा के सदस्यों ने जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। साथ ही मांग की गई कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए एवं इस तरह की वारदातों से सख्ती से निपटा जाए। उसको मारने से क्या प्रयोजन से दोगा बीजेपी का समझ नहीं। जो है यहाँ जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से एक ज्ञापन देने आए हैं, उसमें हमने कहा है कि झारखंड में जो स्वामी अग्निवेश जिनकी 80 साल की उम्र है, यानी अपने दादा परदादाओं से जैसे हैं, उनको विद्यार्थी परिषद भाजपा के लोगों ने जो इनके यंग उनकी बहानी है उन्होंने इस प्रकार से मारा ठोका, ये कोई अच्छी बात तो हो नहीं रहा है हिंदुस्तान के अंदर। जब से ये सरकार विशेष तौर पे मोदी गवर्नमेंट आई है, जब से इस प्रकार की गुंडागर्दी लोगों के साथ, इस बलात्कार, जो तमाम प्रकार की जो असुविधाएँ आ रही हैं सामने, ये तो बहुत गलत बात है। और इसका बेशक भाजपा के लोग इसका कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनता एक दिन इस पर अपना असर जरूर दिखाएगी। मुख्यमंत्री को नहीं है युवाओं का ध्यान, किसानों को पैसा बांटने आ रहे हैं लेकिन किसानों की रत्ती भर भी फिक्र नहीं, साथ ही घोषणा करना उनका शौक है, ऐसा कहना है राधोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह का। आज जिलाधीश से मिलने पहुंचे राधोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने चुनाव से पहले घोषणा की थी कि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, जिसके बाद तमाम युवाओं ने कई तरह के कोर्स भी कर लिए, उसके बाद भी कोई भर्ती नहीं की गई। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि बहुत ही सुंदर रथ तैयार कर लिया है शिवराज सिंह चौहान ने, लेकिन किसानों के लिए उन्होंने क्या किया यह सबके सामने है। वहीं जयवर्धन सिंह ने यह भी कहा कि कांग्रेस की सरकार आते ही सबसे पहले युवाओं का ध्यान रखा जाएगा और रोजगार में बढ़ोतरी की जाएगी। मुख्यमंत्री जी की बहुत पुरानी घोषणा थी कि वो नए संविदा शिक्षक कर्मियों की भर्ती करेंगे, लेकिन 5 साल बीत गए हैं लेकिन एक भी भर्ती नहीं की है, जबकि शायद लाखों की संख्या में ऐसे हमारे यहाँ युवा होंगे मध्य प्रदेश में जिन्होंने बीएड, डीएड, एमएड किया है, फिर आज बेरोजगार घूम रहे हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की कहीं भी युवाओं के प्रति कोई भी रुचि नहीं है उनको रोजगार देने की। और हम वादा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जब सरकार बनेगी तो भर्तियाँ पूरे प्रदेश भर में करवाएंगे संविदाकर्मी की, ताकि जो युवा लोगों ने जिन्होंने डीएड, बीएड किया है उनको रोजगार मिले। अभी माननीय जिलाधीश महोदय से हम दोनों ने चर्चा की है कि किसानों को चने का भुगतान नहीं हो रहा, दो महीने हो गए पोर्टल पे नहीं ला पाए हैं, ऐसी सरकार अगर इस तरह से किसानों का कार्य करेगी तो कैसे काम मध्य प्रदेश के किसान कैसे चलेगा। और अगर मुख्यमंत्री जी झूठा बीमा बांटने आ रहे हैं, उनसे हमारा निवेदन यही कि पहले इन किसानों को भुगतान करते फिर बीमा राशि प्रदान करें। क्या आप 23 तारीख को CM साहब से रखोगे वाली बात? कोशिश करेंगे, हम तो CM के ऊपर बात करते ही रहते हैं।
वो तो सिर्फ खुद का प्रचार करने आ रहे हैं, जनता की सेवा करने नहीं आ रहे हैं। आप उन्होंने मुद्दा उठाया था विधानसभा में, जहाँ हमने कहा था कि इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं विज्ञापनों में, लगभग एक साल में 500 करोड़ रुपए, किस पर? सिर्फ विज्ञापन पर, पोस्टर पर, एडवर्टाइजमेंट पर। लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो आज भी नहीं मिल रही हैं। बहुत सुंदर, बहुत बड़ा रथ बना लिया, लेकिन जनता जमीन पर आज भी परेशान घूम रही है। ढूंग इसलिए है क्योंकि आज आप देखिए भारी बारिश पूरे प्रदेश में हो रही है, और जो रायसेन विचार का पूरा एरिया है वहाँ पर पूरा जाम लग गया है। बाकी सड़कें ठीक नहीं है, जो क्षेत्र मुख्यमंत्री जी का है तो पूरे प्रदेश में क्या हालात होंगे, और वह विदेश में कहते हैं कि यहाँ की सड़कें वहाँ से बेहतर हैं। अब आप पूरी बात आपके सामने है, आज मध्य प्रदेश में स्थिति ऐसी है, लाखों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, जो आम जनता है। आज आप ये आंकड़ा समझ लो कि लगभग 80-90% स्कूल ऐसे होंगे, सरकारी स्कूल, जहाँ पर बिजली नहीं है, और ये बात करते हैं विकास की। तो हम सबका ये दावा है कि इस बार सरकार कांग्रेस की बनेगी, जिसके बाद युवाओं की सरकार बनेगी, जिसमें युवाओं को रोजगार मिलेगा, शिक्षा का स्तर बेहतर होगा। जो पिछले 15 साल में कुपोषण की स्थिति बनी है मध्य प्रदेश में, उसमें हम काम करेंगे। हमारे जो भी दिग्गज नेता हमेशा इन मुद्दों को उठाते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता भी इस बार आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को देखिए। उन लगभग 15 साल से वो उसमें थे, और अब जो नई पीढ़ी है उसको इसमें अवसर दिया गया है। हमारे लोकप्रिय सांसद सिंधिया जी उसमें शामिल हैं, हमारे पूर्व PCC अध्यक्ष आदरणीय अरुण यादव जी उसमें शामिल हैं। तो इससे स्पष्ट ये बात सामने आई है कि इसमें मिक्स है वरिष्ठ लोगों का भी और युवाओं का भी। तो हमें बहुत प्रसन्नता है कि जो नई पीढ़ी है उसको इसमें सामने किया है। जहाँ तक सवाल दिग्विजय सिंह जी का है, उन्होंने स्पष्ट बात की थी राहुल जी से, और उन्होंने कहा था कि उनको अब अगले कुछ महीनों के लिए मध्य प्रदेश का उसमें काम दिया जाए, ताकि सरकार यहाँ पर वापस बने। ये हमारा तो इतना ही कहना है कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसको विकास दिया जाए। जी का आज मध्य प्रदेश दौरा है, वो अरुण यादव जी के साथ भी बैठेंगे, लंच भी करेंगे जी। क्या अचानक एकदम? देखिए, वो तो महागठबंधन की बात सब जगह हो रही है, और हमें पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में जो सभी पार्टियां हैं जो भाजपा के खिलाफ हैं, हम सब मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। बसपा कांग्रेस का गठबंधन, हमको शायद खबर मिली है कि ऐसा होने वाला है, लेकिन जैसे हमने कहा कि जो हमारे सीनियर नेता है, बिल्कुल ज़्यादा खबर। लेकिन कांग्रेस के कुछ लोग नाराज है कि उनकी सीटों पर बसपा के लोगों को टिकट दिया जाएगा। देखिए, ऐसी बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी पूरी बात समझती है, और जो भी फाइनल निर्णय होगा, जो हमारे पार्टी के दिग्गज नेता हैं, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे सिंधिया जी हो, चाहे दीपक बावरिया जी हो, वो सब निर्णय करेंगे। जिलाधीश से मिलने आरोन से आए ग्रामीणों का कहना है कि चने की फसल पोर्टल पर दर्ज नहीं हो रही है। साथ ही ग्रामीणों ने यह भी कहा कि जब भी जिलाधीश से मिलते हैं तो जिलाधीश महोदय ने उनसे कहा कि चना फर्जी है, इसलिए पोर्टल पर दर्ज नहीं हुआ। वहीं किसानों ने आरोप लगाया कि यदि चना फर्जी है तो उसकी सत्यता की जाँच तहसीलदार ने कैसे कर दी। साथ ही 1 लाख से ऊपर का चना मंडी को दी हुई 1 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन पैसा नहीं मिल पा रहा है। उसमें आपने कलेक्टर साहब से बात करी? कलेक्टर साहब बात करी, उन्होंने कहा ये फर्जी है वहाँ चना का। फर्जी कैसे? रसीद है ना आपके पास? रसीद है। तो फिर फर्जी कैसे? फर्जी बेजान कलेक्टर साहब कैसे हुआ है, जब सत्यापित बन गए पटवारी ने, तहसीलदार ने करे हैं, तो अगर फर्जी थे तुरंत क्लाक मार वहाँ तुरंत क्या पेमेंट करते हैं फर्जी भाई, फर्जी पहले ही होनी थी ना। तो कितना समय हो गया आपको? कितना समय हो गया ये? 1 महीना से ऊपर होगा। कितने का चना? 6 तारीख का है। कितने पैसे का चना था आपका? हमारा 1,72,000 का। 1,72,000। तो मतलब आप कलेक्टर साहब के पास गए तो उनका कहना ये है कि वहाँ का वो आमरी बस में नहीं है, तो CM जाना है चढ़ पाया, अगर चढ़वा हमारे बस में नहीं है, तो वहाँ का पूरा चना सरकारी पार्टी करवा है। मुरादपुर से आए किसान जिलाधीश से रास्ता मांगने। ग्रामीणों ने बताया कि उनकी पंचायत में खेत तक जाने के लिए रास्ता दबंग लोग बंद कर देते हैं, जिसके चलते करीब 150 परिवार अपने खेतों तक नहीं जा पाते, क्योंकि सामने उनका खेत है, वहीं अपना रास्ता बंद कर देते हैं और उनके खेत तक जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं मिलता। ऐसी शिकायत करते ही जिलाधीश ने उन्हें आश्वासन दिया कि जल्दी समस्या का निराकरण कर रास्ता डलवा दिया जाएगा।
रास्ता को साहब खेत वाले चाहे अब उसको बंद कर देते हैं, हमको बड़ी समस्या होती है। विकल्प वो एक ही रास्ता है हमारा सब तीनों चक्कों का। तो क्या समस्याएं आती है, क्या परेशानी? कीचड़ है उसमें, पंचायत के जहाँ जाते हैं तो कोई मरम फरम कुछ नहीं। तो क्यों बंद कर रखा है रास्ता? रास्ता बंद कर देते हैं साहब, उनकी जमीन है। अच्छा, तो आप और रास्ता है, आप लोग कितने घर रहेंगे जहाँ रास्ते से आप प्रभावित होते हैं? कम से कम साहब तीन चक बसे हुए हैं, 150 घर हैं तीनों चक्कों में। अच्छा, तो आपको निकासी कहीं से भी नहीं है? कहीं से नहीं, वो एक ही विकल्प रास्ता है हमारा। तो फिर आप लोग क्या करते हैं अगर बंद कर देते हैं? बंद कर देते हैं साहब, बड़ी समस्या आती है, खेतों की मेड़ों पर इधर उधर निकलती हैं, कई बीमारी इनका सामना करना पड़ती है, घर पर ही ख़त्म भी हो जाती है। एक तो कांटे से हो भी गए रास्ता के कारण, अस्पताल नहीं पहुँच पाए। तो आप उनसे बात करते हैं कि खोल दो इसको ऐसा कुछ? कौन सर? जो रास्ता उसकी जमीन है, वो उसकी जमीन नहीं, जमीन सर बात तो नहीं कर पा रहे हम, बात क्या करेंगे सर, शासकीय रास्ता है उसमें। तो आपने इसकी शिकायत और कहीं करी है? साहब कलेक्टर साहब ये भी करी। क्या बोले कलेक्टर साहब? उनने कहा कि हम दिखवा लेंगे अभी तक कुछ। करीबन कितने दिन हो गए कलेक्टर साहब ने बोला था? सर कम से 1.5 साल हो गई हमें, अभी तक रास्ते कलेक्ट कोई नहीं पहुँचा। नहीं पहुँचे हैं साहब, जाँच की है और वापस, मगर मुरम करण नहीं हो रहा। मुरम डर जाए साहब, हमारी सब समस्याएं खत्म हो जाएं, जिस साहब जाते हैं खुलवाए आती है बाद में बंद हो जाते हैं। कितने लोग परेशान हो रहे हैं? 150 घर की बस्ती कम से 900 वोटर हैं सर। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्रावास को शुरू कराने के लिए DSO का एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधीश से मिला। साथ ही उन्होंने अवगत कराया कि पिछले कई वर्षों से छात्रावास बंद पड़ा हुआ है, जिसके चलते गरीब छात्रों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जिलाधीश महोदय ने उन्हें आश्वासन दिलाया कि जल्द ही छात्रावास को शुरू कराया जाएगा और छात्रावास में जो निर्माण कार्य अधूरा है उसे भी जल्द ही करा दिया जाएगा। आज ऑल इंडिया DSO का एक प्रतिनिधि मंडल आज कलेक्टर सर से मिलने के लिए आया था। अभी हाल ही में जानकारी प्राप्त है कि गुना कॉलेज का जो बॉयज़ हॉस्टल है वो काफ़ी लंबे समय से बंद पड़ा हुआ है, और उसमें जानकारी भी हुई कि उस कॉलेज को अभी शुरू नहीं किया जा रहा था। तो हम लोगों ने प्रयास किया है, कलेक्टर सर से मिलने के लिए हम लोग आए थे, तो उस हॉस्टल को तुरंत शुरू किया जाए। तो आज कलेक्टर सर ने भी प्रिंसिपल जो गुना PG कॉलेज के प्राचार्य हैं तिवारी सर को, उनको भी फ़ोन पर बोला है कि कॉलेज हॉस्टल को तुरंत जीर्णोद्धार कराती है, उसको शुरू किया जाए। तो जल्द से जल्द उसको शुरू करने के लिए कलेक्टर सर ने। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने एक दिवसीय धरने का आगाज किया, जिसमें शिक्षक, सहायक शिक्षक एवं प्राचार्य को क्रमोन्नति देने की बात की गई। साथ ही अध्यापक संघ का सम्मिलन कर जल्द ही साथ किया जाए। साथ ही ई अटेंडेंस की विसंगतियों को लेकर भी उन्होंने इस बात पर जिलाधीश का ध्यान आकर्षित किया। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ प्रांतीय आह्वान पर जिला स्थान पर एक दिवसीय धरने का आयोजन किया गया है। धरने में मध्य प्रदेश शिक्षक संघ की जो प्रमुख मांगे हैं वो नंबर एक है, सहायक शिक्षक, शिक्षक प्रधानाध्यापक और प्राचार्यों को क्रमोन्नत वेतनमान दिया जाए। नंबर दो है अध्यापक संवर्ग को सम्मिलियन आदेश शीघ्र जारी किया जाए। नंबर तीन, ई अटेंडेंस व्यवहारिक नहीं है, सारे विभागों में लागू की जाए, इसके बाद शिक्षा विभाग में थोपी जाइए। इससे ई अटेंडेंस का सारे प्रदेश में विरोध हो रहा है। इन बिंदुओं को लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री को जिलाधीश के माध्यम से ज्ञापन सौंपने वाले हैं। रेलवे लोको पायलट बैठे 48 घंटे की भूख हड़ताल पर। वेतन संबंधी विसंगतियों को लेकर रेलवे लोको पायलट भूख हड़ताल पर हैं। साथ ही रनिंग स्टाफ की विसंगतियों को दूर करने की मांग भी रखी है। कल सुबह 9 बजे से हम लोग 48 घंटे के लिए भूख हड़ताल पे बैठे हैं।
कल सुबह 9 बजे तक बैठेंगे। हाँ, आपकी क्या मुख्य मांगे हैं? हमारी मुख्य मांगे हैं क्योंकि हम लोग का जो रनिंग अलाउंस है वो 1980 के सिद्धांत के अनुसार किया जाए, जबकि और 6 पे कमीशन के जो कर्मचारी हैं उनके वेजेस तो बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन हम लोग के वेजेस नहीं बढ़ाए गए। हमारे असिस्टेंट ड्राइवर का जो पे मैट्रिक्स 2800 करने की हमारी डिमांड है, उसको प्रशासन के सामने हम लोग ले जाना चाहते हैं। दूसरा NPS जो कि नॉन पेंशनरी स्कीम है, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को OPS ओल्ड पेंशनरी स्कीम में रखा जाए। और हमारे जो हमारी रनिंग की जो विसंगतियां हैं, जो हमारे रनिंग स्टाफ के साथ जो जास्ती हो रही है, उसके खिलाफ भी हम लोगों ने 48 घंटे के अंदर स्ट्राइक किया। स्वामी अग्निवेश के साथ हुई हिंसक मारपीट के विरोध में CPI गुना एवं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने हनुमान चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही मांग की कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर कठोर दंड दिया जाए। आगामी 23 तारीख को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुना आएंगे, इसको लेकर आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन जिलाधीश विजय दत्ता ने किया। इसमें इस कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी सभी पत्रकारों को दी गई, साथ ही उन्होंने बताया कि बैठने की क्या व्यवस्था रहेगी और उन्होंने क्या कार्यक्रम करना है। फसल बीमा का प्रिसाइसली 49 करोड़ है और राशि हमारे पास जिले के बैंक में आ गई। कोशिश हम ये कर रहे हैं कि CM साहब के कार्यक्रम के दौरान उसका अनुमोदन करवा के फिर बाकी सभी वो रहेगा, अगर जिससे आप मीडिया वीडियो पॉइंट जो रहता है वो तो रहेगा, इसके बदल में हम मीडिया के लिए इंक्लोजर दे रहे हैं। पासिस इसके बाद हमने दूसरे ऑफिस से इशू करवाया था तो थोड़ा मिसकम्युनिकेशन था, इस बार PRO साहब के पास जो भी एंट्रीज आपकी वैलिडेशन होनी है वो करवा दें, एंट्रीज करवा के चेक कर लें। पासिस जिले लेवल से ही एडिंग साहब के थ्रू या PRO साहब के थ्रू आपको पासिस हैंड ओवर कर दी जाएंगी। लगभग 100 का हम आपने सीटिंग करवाया है और अति विशिष्ट जो है अतिथि उनके 100 को दिया, सामने वाले सेक्टर्स में 250 लोगों का सीटिंग आपको मिल जाएगा। सर प्रेस के अलावा और लोग भी जाकर बैठ जाते हैं प्रेस की कुर्सियों पर, उनके लिए कोई व्यवस्था? वो तो PWD अपना सेक्टर एंक्लोजर बना है कि ताकि वहाँ से कोई नहीं आए। एंट्री हम सिर्फ प्रेस के लिए और अति विशिष्ट के रखेंगे गेट नंबर 1 से, जो पहला वाला गेट है, जो बाकी जो मंच से संबंधित अतिथि और अधिकारी है वो उसी से रहे, वो तो एंक्लोज रहेगा। कोई आए तो मीडिया के लिए बनाते हो ना, जो पार्टी है मैं भी थोड़ी जानकारी दे दूँ आपको। हमारी प्रक्रिया चल रही है जो 50% समझ गया है, DLO द्वारा घटा जाकर सत्यापन 15 मई से 20 जून 2018 तक किया गया। मतदान केंद्र नियुक्ति कर लिए मतदान केंद्र का भौतिक सत्यापन 21 जून 2018 से 20 जुलाई 2018 तक किया गया। पूरा इकाई को निर्वाचन अद्यतन करने के लिए 21 जुलाई 2018 से शनिवार से 30 जुलाई 2018 तक हमारी जो सूची है वो एकजाई हो गई। उस सूची एकजाई होने के बाद 31 जुलाई 2018 से 21 अगस्त 2018 तक दावा आपत्ति दर्ज करने की तिथि रहेगी। जाए सूची प्रकाशन में हमारे 31 जुलाई को उसके आधार पर हुआ। फर्जी मतदाता की जो शिकायत आ रही थी कुछ पकड़े गए फर्जी मतदाता? फर्जी मतदाता नहीं थे एक्चुअली, में क्या है वो ASP था किसी का नाम किसी भी गांव में दूसरा नहीं, उसको जांच की गई और ASP के अंतर्गत जो एबसेंट थे और जो सफेद थे जो डेथ हो गए उनकी घर घर जाकर जो BLO ने कार्य किया वो कार्य पूरा हो चुका है, फिर भी हम दावा पर आपत्ति कर रहे हैं। फिर भी कितने संख्या कितनी गई है? मैं अभी मेरे पास नहीं है। 6 निकले थे टोटल MP बोला जी, 6 MP में 6 नहीं, अब एक्चुअली में क्या है राज्य सूचना आयोग ने इसी जानकारी वो जांच हो चुकी है और जांच के बाद एफआईआर होने के बाद 31 जुलाई को प्रकाशन होगा। तब इस प्रकाशन के में भी ऐसा लगता है कि कुछ रह गया है वो हमारे पास टाइम है 31 जुलाई 2018 से 21 अगस्त 2018 तक।
इसमें भी आप आपत्ति आएंगे और इसमें भी कोई नाम रह गया वो भी कर लेंगे हम और जोड़ने के लिए वो भी कर लेंगे। भारत का तिथि रहेगी 1 जनवरी 2018। कैसे पढ़ेंगे बच्चे और आगे कैसे बढ़ेंगे? शिक्षा व्यवस्था बदहाल, भगवान भरोसे शिक्षा व्यवस्था कैसे बनेगा भविष्य? एक और तो शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े दावे किए जाते हैं। शासन शिक्षा को लेकर करोड़ों रुपए खर्च करता है जिससे शिक्षा व्यवस्था सुधरे व छात्र छात्राओं का भविष्य बने, लेकिन यहाँ तो छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में है। मामला राधोगढ़ तहसील के माची गाँव के प्राथमिक स्कूल का है। इस स्कूल में 2 शिक्षिका एवं 1 शिक्षक पदस्थ है। स्कूल में 71 छात्र छात्राएं दर्ज है। कौन कौन पढ़ लेता है? आपको किताब पढ़ना आती है? आपको पढ़ना आती है? आपको क्यों आती किताब पढ़ना? आपको लेकिन इस स्कूल के कक्षा 5वीं के छात्र छात्राओं को ABCD और किताब तक पढ़ना नहीं आती। इससे ये साफ जाहिर हो जाता है स्कूल में शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। क्या लग रहा है? कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? अच्छा, किताब पढ़ लेती हो? किताब पढ़ना नहीं आती आपको? ABCD में नहीं आती? कौन सी क्लास पढ़ती हो? अच्छा, ABCD आती है? नहीं आती? ठीक है, तो किताब पढ़ना भी नहीं आती? क्यों, शिक्षक पढ़ाते नहीं क्या आपको? नहीं पढ़ाते? पर स्कूल में पीने के पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे स्कूल आने वाले छात्र छात्राओं को अपने घर से ही पानी की बोतल लाना पड़ती है। वहीं स्कूल के शौचालय भी खंडर में तब्दील हो चुके हैं। शौचालय के गेट टूटे पड़े हैं और शौचालय में गंदगी का अंबार लगा हुआ है जिससे छात्र छात्राओं को खासी परेशानी आती है। जब बच्चों को स्कूल में पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है तो शौच के लिए क्या खाक जाएंगे? वहीं पंचायत द्वारा अतिरिक्त कक्ष भी बनाए गए थे, उनका भी यही आलम है। इस ओर ना तो कोई अधिकारी ध्यान देता है और ना ही जिम्मेदार। वहीं इस संबंध में राधोगढ़ BEO सुरेश चंद्र आर्य का कहना है कि हम मामले की जांच करवाते हैं। BEO साहब ने सिर्फ जांच का हवाला दिया है, लेकिन ये जांच कब होगी इसका कोई पता नहीं। अभी क्लास के छात्र छात्राएं सर, उन्होंने ABCD और पढ़ना तक नहीं आती। शिक्षा का स्तर क्या है? शिक्षा का स्तर सर ऐसा है, क्या है कि पलायन अक्सर यहाँ के लोग अब क्या पलायन रहते हैं सर, थोड़ा सा काम करने बाहर जाते हैं राजस्थान मिलों पर, तो क्या है कि उनकी नियमितता ही नहीं रहती, इस चक्कर में थोड़ा सा स्तर मतलब 5वीं का छात्र हो या छात्रा हो, ABCD आती है ना ही किताब पढ़ना, तो सर जो नियमित है उनको तो लगभग आती है, जो नियमित नहीं है ना उनको किसी कारण आपके 5वीं कक्षा में सिर्फ 1 छात्रा किताब पढ़ना है, जिसमें 4-5 को आती है कम से कम नहीं। राधोगढ़ से हमारे सहयोगी तेज सिंह यादव की रिपोर्ट। स्वच्छता अभियान को पलीता लगाता गुना शहर। गुना विधायक पन्नालाल शाक्य के घर के पास ही पड़ा रहता है कचड़े का ढेर, जिसे साफ करवाने की सुध ना तो वार्ड पार्षद लेता है और ना ही नगर पालिका। कैसे रहेगा स्वच्छ गुना जब गुना के विधायक के घर के पास ही कचड़े का अंबार लगा हुआ हो? और ऐसा हो नहीं सकता कि विधायक महोदय की इस पर नजर न पड़ी हो। भाई
एजियाना न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।